क्या बोल, नाहक फंसा है वो ना तो। हाथ फंसा है साहब। मेरा बच्चा घर से काम, काम से घर को आता है, अकेला बच्चा है। मैं अदरक छिलको रोड पर खाने वाली हूँ। मेरा बच्चा ने सुनी नहीं आती जी साहब। मेरा बच्चा बच्चा भूती रहा है जी। कैसा हो गया कि मेरे को कुछ समझ नहीं। हेलो, अच्छा नहीं नहीं मैं पी एस को आ रही थी साहब, इसलिए वो बच्चे के, मैं वो बच्चे के वालदा फोन कर रहे थे तो इसलिए आ रही थी मैं साहब। आपको तो बोले थोड़ा पीडी केस डाल के भेज दे, तो बोले अभी तक बिठा दिया। मारते नहीं बोले, मारे भी साहब उसको अकाली के लिए आके हंगामा हो जाता। आप देखो, आपको नहीं मालूम, आप एरिया में रह रहे हैं। कौन मारे करते बोले पीएस में मारे कहते, बच्चे को बयान दे रहा बच्चा। हाँ वो रात में भी खाना दे के आए बाद मारे कहते, अभी भी मारे कहते उसको, बोल रहा उन्हें बैठने नहीं आ रहा बोल के उनके वालदा को फोन कर। मैं आ रही, चलो मैं आ रही हूँ अभी। सुनो जी, आप मार दो मैं देखो, आपकी मर्जी साहब, अभी देखो आपकी मर्जी। नहीं यार, इतना रेस्पेक्ट देकर बात करे, जब ऐसा बात करे तो अच्छा लगता। नहीं भी उनकी वालदा रो रहे मेरे बच्चे को, आप बोले लड़ाई करो तो वालों को जेल नहीं जाना। क्या बोले, देखो अभी वालदा फोन कर रहे हैं, वालदा फोन कर बोल बोले वहां के स्टेटमेंट दे रहे ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोगलपुरा कॉर्पोरेटर नसीन सुल्ताना। कल मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया था अकबर बोल के, मैं यहाँ पर जो सो मोगलपुरा पीएस को, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले कोई बच्चा पकड़े गया मैडम, ऐसी की बात ऐसी है बोल के बोले। तो मैं बोली क्या बात है बोल के पूछी, तो कोई लड़की जो सो मुस्लिम लड़की कोई हिंदू लड़के के साथ जा रही थी बोल के बोले थे। ठीक है मैं बात करती हूँ सर्कल से बोली। फिर मैं कल सर्कल को फ़ोन करी तो उन्होंने बोले नहीं छोटा सा केस है मैडम, आप जो सो बेफिक्र रहिए, मैं शाम में छोड़ देता हूँ 11 बजे तक बोले। फिर मैं 11 बजे मेरे को फिर एक फ़ोन आया अकबर, मेरे को फ़ोन करके बोले कि ऐसी की बात ऐसी है मैडम नहीं छोड़े वो। तो फिर मैं सर्कल से बात कही तो उन्होंने बोले मैडम एक बार रिमांड करना पड़ता हो सीपी साहब तक, और एसीपी साहब तक चले गई बात। ठीक है बाबा, आपसे रिमांड कर रहे हैं तो क्या बेस पे कर रहे हैं बोले। तो नहीं हिंदू मुसलमान के फसाद के अंदर है बोल के बोले। हिंदू मुसलमान का कई का फसाद है बोल के मैं पूछी तो नहीं, उन्होंने मुसलमान बच्ची जो सो लड़के गुजारी थी 18 साल के बाद, वो लोग बालिग है जा सकते बोल के बोले। तो ठीक है भाई, उन्होंने जा रहे थे तो ये बच्चा गैर जरूरी ठीक है मारा होगा गुस्से में आके मारा। मैं बोली उनको ऊपर सेक्शन क्या लगा रहे साहब, तो छोटा सा केस बुक कर रहा हूँ मैडम 72 का बोले। 72 जाके आज 153 में बुक करके अभी बोल रहे हैं साहब रिमांड कर दिए ऑलरेडी, हम जो है सो कोर्ट से बेल ले लो बोल रहे। ऐसा दिखता है कि इन हर चीज़ में जो है सो अपना दखल अंदाजी करते। वहाँ दीवाल गिरी सो खुद भी वैसी बोले कि वो बच्चे उनसे मांडोली करे, तो जभी भी वही बात बोली थी मैं उनको के मांडोली कर रहे बोले तो नहीं करे बोल के बोले। जब 50,000 60,000 बोल के ऐसा बात करके 1.5 लाख रुपये के ऊपर बात हुई, जभी भी 1.5 लाख रुपये में मेरी तरफ से दिलाई बच्चे को। अभी भी उन्होंने यही बोल रहे हैं कि बच्चे को रिमांड कर दिए मैडम, आप जो सो 2 दिन में बेल करा लो बोले। ये मेरे को ये समझ में नहीं आता, इनको हिंदू मुसलमान का तासुफ भरा हुआ है या होना बोल के करते ये बात। मेरे को अभी भी सर्कल साहब की मैं रात से उनको फ़ोन आ करके एक ही बात समझा रही हूँ, तो मैं बोल रहे मैं नहीं मारा बोल के बोले, और वो बच्चे का स्टेटमेंट है कि मारे बोल के बोले। अब मारे बाद में जो सो मैं पूछी उनको तो मैं नहीं मारा, अब मार के बताता हूँ बोल रहे। ये कैसा इनका स्टेटमेंट रहता समझ में नहीं आता, घड़ी में कुछ बोलते घड़ी में, ऐसा दिखता कि इन्होंने तासुब भरे हुए हैं। हमारे को ये रवि कुमार साहब से बहुत नाक में दम होके रह जा रहा, हर कोई बच्चा बोल रहा है यहाँ का कि रवि कुमार साहब ऐसा स्टिकली बात करते हमारे से रफ बात, ऐसा दिखता उन्होंने मिट्टी छुरी गर्दन पे फिरा दे रहे सब की मुसलमानों की, ऐसा दिखता उन्होंने यहाँ पर ये नाके में रह के हिंदू मुसलमान का फसाद कराए वैसी बात करते। जब देख अभी भी मैं उनको रात से बोल रही हूँ, मेरे को एक ही बात बोल रहे थे कि मैं छोड़ दे रहा हूँ मैं छोड़ दे रहा हूँ बोले। आप बोल रहे हैं मेरे को रिमांड कर दिया, मैं आप लोगों कोर्ट से बेल ले लो बोल रहे। ये बात हमारे समझ में नहीं आई, हम भी असद साहब से बात करेंगे इंशाल्लाह। ये बात में एमएलए साहब असद साहब से भी बात करके हम भी बात करेंगे, क्योंकि इनका रवैया बहुत गलत है यहाँ का। अब हम बोलते कौन सी भी चीज़ को, उन्होंने मेरे को मामली से अभी मिसाल दे रहे गाड़ी पकड़े गई तो मैं छुड़ाया नहीं बोलता, गाड़ी की बात अलग है ये बात अलग है। अब आप सीधा बोल दे रहे उनकी माँ बोल, तो उनकी माँ की बात सुनते या मेरी बात सुनते बोल रहे, मेरे को ये बात समझ में जाए। इंशाल्लाह ताला हमारे से भी जो भी होगा हम भी कोर्ट में वो बच्चे के पेपर दाखिल कराएंगे, बेल लेंगे, बेल लिए बात हम भी बात करेंगे। उनकी माँ है देखिए आप रोड के ऊपर रो रहे हैं, दुनिया का उन्होंने पावा पड़ने
करने आ रहे हैं और रो रहे हैं, हमें हमको भी अच्छा नहीं गया। एक बच्चा है कमाने वाला, उनकी माँ अदरक लहसुन छिलते रोड के ऊपर मंडी के अंदर, अदरक लहसुन छिल के कमा के जो सो घर चलाते हैं, वो बच्चे को ज़बरदस्ती जो सो आप रिमांड कर दे रहे हैं। बोले तो बोले सी पी साहब का परमिशन है, ऐसा क्या फसाद हो गया था जो सी पी साहब का परमिशन है बच्चे को रिमांड करो बोल के? हमारे को ये बात समझ में नहीं आ रही। इंशाल्लाह हम कल कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट को जाके उनकी वालदा को ले आके कोर्ट से हम बेल करा के बात करेंगे रवि कुमार साहब से, क्योंकि हमारे को इनका रवैया ज़रा भी पसंद नहीं है। जब भी उन्होंने वही बात करते, अभी भी इतने मीठे बातें करते, उन्होंने मीठे बातें करके वहाँ आयन टाइम पे ला के जो सो ढकल दे रहे उन्होंने मेरे को। रात से बोले के मैं छोड़ दे रहा हूँ बोल के बोले मेरे को 72 केस में बुक करो मैडम, छोड़ आप ला के 153 में बुक करके बोल रहे, मामली सी केस है बोल रहे उन्होंने, उनके लिए मामली सी होंगे लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये तीन बच्चा है, वो बच्चे की माँ दुनिया का रो रही तो भी उन्होंने वो बोल रहे उनकी मत सुनो हमारी सुनो, हम पब्लिक की सुनेंगे या इनकी सुनेंगे? हमारे को ये रवैया रवि कुमार साहब का पसंद नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारे से जो हो सकता हम बराबर करेंगे, कल वो बच्चे के पेपर्स दाखिल कराएंगे, इंशाल्लाह हम दो दिन में बेल करा के बताएंगे इनको।